नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निफ्टी इंडिया में। तो फ्रेंड्स, 8 दिसंबर को एक और एक्सपायरी हो चुकी है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस पर अपना बैंक निफ्टी की जो वीकली हम आयरन फ्लाई की ट्रेड डिप्लॉय करते हैं उसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। तो मोस्टली लोगों के जो क्वेरी थी 20 रूल्स को लेकर, मैंने उसे डिफाइन किया था लास्ट वीडियो में भी दोबारा से, और मोस्टली हर एक वीडियो जो मैं वीक में डालता हूँ उसमें उसके सभी रूल्स को ऑलमोस्ट मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो मुझसे क्वारी करते ही हैं। तो एक आध लोगों का फिर डाउट आया था कि 20 में किस तरीके से देखते हैं, तो इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। और चलते हैं हम अपनी बैक टेस्टिंग की तरफ। तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को, 8 दिसंबर एक्सपायरी हो चुकी है, तो हम 1 दिसंबर को एंड ऑफ द डे ट्रेड डिप्लॉय करते हैं 320 के आसपास। 320 क्यों, इसका आंसर मैं हर वीडियो में देता हूं, बिकॉज मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 320 है, एक सफिशियंट टाइम रहे आपका ट्रेड डिप्लॉय करने के लिए एंड ऑफ द डे। तो आप 320, 325, 3.25 कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन मकसद यही होता है उसका कि सेम डे में और वॉलिटिलिटी ना हो मार्केट में, कि मतलब ऐसा ना हो कि हमने, सपोज आप स्पॉट देख रहे हैं 43,250 है, तो 43,200-300 तक थोड़ा बहुत मूवमेंट कर जाए अलग बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये उसी दिन 400-500 पॉइंट या 300 पॉइंट की मूवमेंट कर जाए, तो फिर हमारी ट्रेड कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। तो इसलिए हमें एंड ऑफ द डे ट्रेड को डिप्लॉय करना होता है, जिससे हम किस सेम डे में कोई और मूवमेंट खास ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम क्यों करते हैं, इसका कारण अभी फिर आगे आएगा। तो आप देखें 43,250 है, तो हम 43,300 की ट्रेड डिप्लॉय कर लेते हैं, 43,300 का स्ट्रेडल 8 दिसंबर का हम सेल कर देते हैं। और अब हैज कौन से बाई करेंगे, तो आप लोगों को खुद ही पता है अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो, कि हमारा जो कलेक्टिव प्रीमियम है, मींस कलेक्टिव प्रीमियम, यहां पर आप 291 और 301 को ऐड करेंगे, मींस समथिंग ये 600 पॉइंट्स का हो रहा है, तो हम 200 पॉइंट दूर के हेजेस बाई करेंगे, 600 प्लस 200 मींस 800 पॉइंट दूर के हेजेस बाई करेंगे। तो अब आपको पता चला होगा कि हम एंड ऑफ द डे क्यों ट्रेड डिप्लॉय करते हैं, जिससे कि ये जो हम 200 पॉइंट एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं तो सेम डे में हमें कोई एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। ठीक है, तो आप 43,300 से 800 पॉइंट काउंट करेंगे तो 42,500 आएगा, 42,500 का पुट का हमने हेज बाई कर लिया, और अपसाइड में 44,100 आएगा, तो हमने 44,100 कॉल साइड में हेज बाई कर लिया। आपकी ट्रेड यहाँ पर रेडी हो चुकी है, आप देख रहे हैं कि समथिंग आपको 11,700 रुपए का मैक्स प्रॉफिट शो हो रहा है और 4,280 रुपए का मैक्स लॉस शो हो रहा है। ठीक है, तो हमारी ये बैक टेस्टिंग करने का या आप लोगों को इसमें बताने का मकसद क्या है, कि आप इस ट्रेड को कोशिश करें कि या तो लॉस फ्री या प्रॉफिट की तरफ इसे ले जाएं, और अगर लॉस भी हो तो हम कम से कम लॉस को कम कर सकें। ठीक है, ज्यादा हमें लॉस नहीं लेना है, क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूं। आप मेरी वीडियोस को अगर बैक में जाके भी देखेंगे तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि देखो, आपकी हर लूजिंग ट्रेड आपके कॉन्फिडेंस को गिराती है, और आपका कॉन्फिडेंस आपकी विनिंग ट्रेड से बढ़ता है। ठीक है, तो आपको अगर किसी ट्रेड में, कई ट्रेडों में प्रॉफिट ना हो तो भी आप, लेकिन लॉस ना हो अगर, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लॉस होता है ये, तो आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा एक वो होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। तो इसलिए आप अपने लॉस पर फोकस करें, प्रॉफिट तो मार्केट को देना होगा तो देगा ही देगा, लॉस को आप कम करते चलें या लॉस फ्री करते चलें। सॉरी, तो हम आगे बढ़ाते हैं इसे 15 मिनट करके। तो नेक्स्ट डे 43,100 पे मार्केट ओपन हुआ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास
विक्स कम चल रही है तो रेंज छोटी है, तो हम कब एडजस्ट करेंगे, अपने ब्रेक इवन पे एडजस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक इवन 42,830 है हमारा, तो 42,900 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और अपसाइड में 43,700 के ऊपर जाता है तब भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं तो एंड ऑफ द डे एडजस्ट करेंगे। तो अब मैं 30-30 मिनट करके आगे बढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ स्पॉट जहां मेरा कर्सर है इस पे ध्यान दे सकते हैं, या यहाँ भी स्पॉट शो हो रहा है, तो हम 265 रुपीज के प्रॉफिट में है। या दोस्तों, मैं इसी के साथ आप लोगों को ये भी जानकारी साझा करना चाहता हूं कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऑप्शंस में जो डीप बाइंग होती है, मीन्स आउट ऑफ ओटीएम जो ऑप्शंस बाइंग होती है, उसको लेकर काफी परेशान रहते हैं कि हमारा ब्रोकर इसे अलाउ नहीं करता है। खास तौर पे जेरोदा जैसे ब्रोकर बहुत सारे हैं जो आपके दूर के ओटीएम को आपको बाई करने में रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। आप एलआईएस ब्लू के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आप अगर देखें तो आपकी ब्रोकरेज में भी आपकी 25% तक सेविंग होगी। मीन्स आप जानते हैं कि अनदर ब्रोकर, ट्रेडिंग ब्रोकर में आप देखते हैं कि 20 रुपये पर लॉट आपका, सॉरी 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपके चार्जेस लगते हैं, जिसमें आप एलाइस ब्लू के साथ आप दे सकते हैं ओनली 15 रुपीज पर ऑर्डर आपके ब्रोकरेज लगती है। तो आप इसे देख सकते हैं, बाकी चीज भी आपकी स्क्रीन पर आपको इसका सारी जानकारियां मिल रही है। आप साथ के साथ अगर मैं आपको बताऊं, इनका एक बहुत ही हैंडसम इन्होंने चालू किया है वनली ऑप्शन, जिसके अंदर आपको, मैं आपको टाइप करके भी ओपन करके दिखा देता हूं, तो ओनली ऑप्शन इसमें अगर आप देखें स्क्रीन पर, पहली ही जो वेबसाइट है ओनली ऑप्शन की वो ओपन हो जाती है, और आपने अगर देखा होगा तो ये एक हैश टूल है मार्जिन बेनिफिट कैलकुलेटर के साथ, ठीक है। तो ये एलआईएस ब्लू के ही साथ की उनका प्रोडक्ट है, जिसे वो आपको एब्सोल्युटली फ्री देते हैं अगर आप उनके साथ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो, जिसमें आपको जैसे आपने मार्केट को लेके, अगर आप बुलिस हैं तो आपको बुलिस स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, बियरिस हैं तो बियरिस स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, और साथ के साथ आप इसमें अपने हिसाब से भी स्ट्रेटेजीज को डिप्लॉय करके टूल का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट एलआईएस ब्लू के साथ ओपन करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर अपने ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं एलआईएस ब्लू के साथ। थैंक यू। पर आप देख सकते हैं पीएनडीएल चल रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास है, आप देख सकते हैं 2:20 हो चुके हैं, मार्केट ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास चल रहा है। मैंने आप लोगों को अपने 320 हो चुका है, मैंने आप लोगों को एक चीज और बता रखी है कि भाई वीकली है, और वैसे भी आपके पास ज्यादा मार्जिन नहीं होता, तो आपको अपना टारगेट सेट करना चाहिए। और मैं अपनी वीडियो में जो बैक टेस्टिंग आप लोगों को बताता हूँ, वो 2,000 रुपये वीकली के हिसाब से बताता हूँ कि पर लॉट अगर आपको 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो तो आपको बुक करना ही चाहिए, क्योंकि आप की रेंज बहुत छोटी होती है और बैंक निफ्टी बहुत जल्दी उसे रेंज को तोड़ सकता है। तो अगर आपको अपना प्रॉफिट को लेके भागना भी आना चाहिए, और साथ के साथ प्रॉफिट के लिए बैठना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट डे में आपको 721 रुपीज दिख रहा है तो आप इसे बुक कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लॉस जिस मंथ में होने होंगे या जिस वीक में होने होंगे, तो उस समय भी आपको फिर लॉस बड़े होंगे और प्रॉफिट छोटे होंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, अपने टारगेट के लिए बैठे जरूर, लेकिन टारगेट को सेट भी करें। तो चलते हैं अपने एडजस्टमेंट की तरफ। एंड ऑफ द डे आ चुका है 320 के आसपास का टाइम, तो आप देख रहे हैं 42,500 पर हमारी एडजस्टमेंट थी। तो अब यहां पर फिर से आप ध्यान दें, 20 रूल का क्या मतलब है। पहले हम कॉल साइड एडजस्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट हल्का सा डाउन साइड आया तो कॉल साइड हमें 20 रूल इजिली फॉलो होगा। 44,100 पे था, अब 44,100 से आप यहां पर स्ट्राइक देखें, चेक करें कि दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में 20 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जहां तक 20 रुपीज का डिफरेंस होगा वहीं तक एडजस्ट करेंगे अनटेस्टेड साइड में, ठीक है।
तो अब आप देख सकते हैं 44,100 यहां पर हमारा 20 रूल फॉलो हो रहा है ऑलमोस्ट यहां तक, ठीक है। 43,600 तक हम आराम से जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर नहीं, सॉरी यहां पर हमारा नहीं फॉलो हो रहा, यहां तक फॉलो हो रहा है 43,700 तक। यहां आप देखेंगे तो 20 रुपए से ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो हम 43,700 को बाई कर लेते हैं और 44,100 को बुक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने बुक किया है इसे आप ध्यान से समझे। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आपने यहाँ पर 612 रुपए का लॉस बुक करा, ये तो आपने बताया नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिमुलेटर है, और अगर आपको इतनी सी नॉलेज नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप पहले अपने नॉलेज को बढ़ाएं। ये जो P&L है, ये सभी इन प्लस माइनस को कैलकुलेट कर यहाँ पर ये P&L शो होता है। तो इसमें ये 612 रुपए का जो लॉस अभी सपोज मैंने बुक किया, या और भी हम ट्रेड में जो भी एडजस्टमेंट करेंगे, वो सब कुछ इंक्लूड होने के बाद जो P&L में दिख रहा है वो आपको ग्रीन या रेड के हिसाब से दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में 42,500 को बुक करते हैं, क्यों? क्योंकि हमने 200 पॉइंट जो दूर एडजस्टमेंट की थी उसे किसी भी कंडीशन में हमें अब वो 200 पॉइंट अंदर तो लाना ही लाना है, चाहे हमारा 20 रूल फॉलो करे या ना करे। मींस अगर 20 रूल फॉलो करेगा तो हम उसे और अंदर भी लाएंगे, और अगर नहीं फॉलो करेगा तो हम उसे कम से कम 200 पॉइंट जरूर लाएंगे, बिकॉज सैटरडे एंड संडे हमारी 3 नाइट्स आने वाली है जिसमें हम 3 नाइट का रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 42,564 है, यहाँ हमारे 20 रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ हमारे 20 रूल में 1.5 रुपए का फर्क पड़ रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि 200 पॉइंट दूर तक तो हमें लाना ही लाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे हेजेस हमें कहाँ बाई करने थे, 600 पॉइंट दूर, लेकिन हमने कहाँ बाई किए थे, 800 पॉइंट दूर। तो अब हमें जाते जाते 600 पॉइंट दूर पे हेज को लाना ही लाना है, ठीक है। तो हमने 42,700 को भी बाई कर लिया है। अब हमारी ट्रेड का पे ऑफ चार्ट देखते हैं, तो हम अप साइड में ऑलमोस्ट लॉस फ्री हैं, और डाउन साइड में भी हमारा लॉस बहुत कम, सिर्फ 5,300 रुपए का रह गया है, जो कि पहले करीब 8,500-9,000 के आसपास का था, ठीक है। तो बढ़ाते हैं आगे। अब हमें कब बुक करना है, 42,900 पे या 43,700 के आसपास। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं 30-30 मिनट करके आगे बढ़ा रहा हूं, आप स्पॉट पर ध्यान रखें, अगर ये प्राइस आएगा तो हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं एंड ऑफ द डे फिर हम आ चुके हैं, और स्पॉट 43,334 है। अब हमें फिर से देखना पड़ेगा कि हम क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप पुट साइड में देखते हैं, पुट साइड 42,700 पे था, यहां पर 20 रूल फॉलो हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, इस स्ट्राइक प्राइस में भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम 42,900 पर अपनी हैच को ले आते हैं। 42,700 को ऑलरेडी हमने एग्जिट कर दिया था। अब 43,700 पे देखें कि क्या हमारा 20 रूल फॉलो हो रहा है, तो जी नहीं, यहां पर हमारा 20 रूल फॉलो नहीं हो रहा है, समथिंग हमें 30-32 रुपए में पड़ रही है, तो हम इसे नहीं करेंगे अभी। तो आप देख रहे हैं हमारे बोथ साइड में 1,074 रुपए का लॉस है, जो कि एक ऑलमोस्ट लॉस फ्री है, और साथ के साथ आप अपने टारगेट के बिल्कुल नजदीक है, तो आप यहां पर अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं 5,000 रुपए का। लेकिन आप 2,000 का टारगेट अगर रखते हैं तो 2,000 के लिए वेट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मार्केट ओपन होते ही आपको अपना टारगेट अचीव हो चुका है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि यहां पर आपकी ट्रेड आप लोगों ने बुक कर लिया होगा अपना प्रॉफिट। लेकिन ठीक है, एक्सपायरी तक हमें बैक टेस्टिंग को लेके चलते हैं, कि अगर हम एक्सपायरी तक बैक टेस्टिंग करते तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाती या लॉस में जाती, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम ये तो मान के चलते हैं कि आप लोगों ने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया होगा। सॉरी, तो आप जैसा देख रहे हैं कि ट्यूसडे का भी एंड हो चुका है और हम ऑलमोस्ट 2,000 की प्रॉफिट में है, तो हमें जाते जाते अब ये 1,000 रुपए के लॉस को भी खत्म कर लेना चाहिए। देखते हैं क्या हम इसे कर पाते हैं।
तो हमारी हेजेस थी 42,700 और 42,900, सॉरी 43,700 की कॉल की थी, तो 43,700 को हम एक स्ट्राइक के अंदर ले ही आते हैं, क्योंकि बहुत हो गया है, 3 दिन मार्केट एक जगह बैठा रहा, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पे 20 रूल फॉलो हो या ना हो, लेकिन हमें ट्रेड को लॉस फ्री कर लेना चाहिए। देखो मैं हमेशा एक बात और कहता हूँ कि मार्केट में नॉट कोई भी फिक्स रूल काम नहीं करता है, आपको मार्केट के साथ आपको अपने आप को चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको रूल जरूर बनाने हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रूल हम तोड़ नहीं सकते, रूल आप ही ने बनाए हैं, आपको उसमें मॉडिफिकेशन भी करना है। तो ये सभी चीजों को आप लोगों को आपके साइकोलॉजी के हिसाब से यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं यहां पर हम एक स्ट्राइक और ले आएंगे तो 22-23 पॉइंट हम समथिंग पे कर रहे हैं, ठीक है। सेम थिंग पुट साइड में, पुट साइड में हमारी 42,900 पे हैज थी, उसे हम 43,000 पे ले आते हैं। आप देख सकते हैं यहां आपकी ट्रेड कंप्लीटली लॉस फ्री हो चुकी है। अब आप अपने एंड ऑफ द एक्सपायरी तक देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूं, एक्सपायरी पे ट्रेड को पहुंचा रहा हूं। आप देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर 3,800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको। एक्सपायरी देखते हैं कहां होती है, 4,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि उसने आपकी रेंज को तोड़ा, 43,600 पर मार्केट बंद हुआ और आपको सिर्फ 450 रुपए लेके आप जा पाएंगे, 428 रुपीज अगर आप एक्सपायरी तक बैठते तो। इसलिए मैंने आपको बताया था कि विक्स कम है, जिसकी वजह से आपके पास रेंज कम है, और अगर रेंज कम है तो आप अपने प्रॉफिट को तो खास तौर पर बुक करना चाहिए। आपको ये जो बीच में मैंने दिखाया 4,000 दिख रहे हैं या 4,500 दिख रहे हैं, इसके लिए नहीं बैठना है, आपको जो स्टार्टिंग में 2,000 मिल रहे हैं उसके लिए बैठना है, और उस 2,000 को लेकर आपको हमेशा बुक करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो मैं आप लोगों से जरूर गुजारिश करूंगा, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और साथ के साथ मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री है, और उसमें मैं बहुत कई बार जैकपॉट स्टॉक वगैरह देता रहता हूँ, अपनी चीजें शेयर करता रहता हूँ जो कि आप लोगों को बेनिफिशियल हो सकती है। अगर मैं लास्ट आपको बताऊं तो मैंने PNB का शेयर शेयर किया था, जो 47 रुपीज 30 पैसे के आसपास में शेयर किया था, और मुश्किल से 15 दिन हुए होंगे उसे, 10-15 दिन आप लोगों के साथ शेयर किया। आप उसमें टेलीग्राम में पीछे जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने 60 का टारगेट दिया था और वो आज 57 रुपये तक का हाई बना चुका है, 57-58 रुपये। तो आपको मैंने उसमें कई लोगों को उसमें मतलब कहा भी है कि अपनी कुछ सम क्वांटिटी बुक कर लें, एक 10-15 दिन के अंदर वो 20% से ज्यादा का प्रॉफिट दे चुका है। तो मैं ऐसे शेयर बहुत देता रहता हूँ, मैंने बीच में राइट्स का दिया था, वो भी बहुत अच्छा जो है, मुश्किल से within 3-4 days उसने काफी अच्छा अपने टारगेट को अचीव किया। तो मैं ऐसे जैकपॉट स्टॉक्स अपनी एनालिसिस के अनुसार आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ फ्री में बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को लगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।